नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बिहार ललित कला अकादमी बहुउद्देशीय परिसर फ्रेजर रोड पटना में युवा कलाकारों की प्रदर्शनी 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें समकालीन और युवा कलाकारों ने भाग लेकर अपनी कलाकारी और पेंटिंग के जरिए गांधी जी के विचारों को प्रस्तुत किया है। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे गांधी जैसा कि आयोजन के शीर्षक से साफ है, इस कला प्रदर्शनी का केंद्रीय विषय महात्मा गांधी हैं। ये कलाकारों की नजर से गांधी और उनके विचारों एवं कला बोध को सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश है। इसमें अपने व्यक्तित्व एवं विचारों को, उनकी गतिविधियों को कलाकारों ने मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरीकों से अपने कला रूप में ढाला है। अपने जीवन में और हत्या के बाद भी गांधी ने शिल्पकारों, चित्रकारों और छायाकारों, हर विधा के कलाकारों को तरह तरह से आकर्षित किया है। इस प्रदर्शनी का विचार भी गांधी के प्रति इसी आकर्षण से पैदा हुआ है। गांधी ने खुद इतने प्रतीकों से काम लिया कि उनके माध्यम से भी गांधी को चित्रित करना कलाकारों के लिए एक दिलचस्प चुनौती रहा है। इस चुनौती से हमारे गांधी में शामिल कलाकार भी रूबरू हुए। महात्मा गांधी की हत्या को 75 साल हो चुके हैं, जो एक हिंसक विचार और हिंसक कृत्य का परिणाम है। इस पृष्ठभूमि में कलाकारों के सामने एक चुनौती ये रही कि वे गांधी की अनुपस्थिति को कैसे व्यक्त करें। ये अनुपस्थिति कहां कहां है, हिंसा, घृणा, अलगाव, नाइंसाफी को कैसे चित्रित किया जाए, जिससे गांधी जीवन भर लड़ते रहे हैं और निर्भयता, संघर्ष, बंधुत्व, इंसाफ और सत्याग्रह को विभिन्न कला रूपों के जरिए कैसे अभिव्यक्त किया जाए। हमारे गांधी के कलाकारों ने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी रचनाओं के जरिए सामने रखने की कोशिश की है। ये 5 दिवसीय कला प्रदर्शनी बिहार की राजधानी पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर बहुउद्देशीय परिसर में लगाई गई। इस प्रदर्शनी के प्रति कलाकारों के उत्साह ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कलाकारों के लिए गांधी की अपील कम नहीं हुई है। आज जब दुनिया के कई देश युद्धरत हैं और हिंसा लगातार अपनी जड़ें जमा रही है, उस दौर में महात्मा गांधी के प्रति यह आकर्षण प्रेम और न्याय आधारित समाज के हमारे सपनों और हमारी उम्मीदों को कायम रखता है। गांधी शहादत के 75वें वर्ष में लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने और इस पर विमर्श की कड़ी के रूप में हमारे गांधी का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच किया जा रहा है। इसमें बिहार के वरिष्ठ और युवा कलाकारों के साथ साथ दृश्य कला संकाय के विद्यार्थी भी शामिल हुए हैं। पुंसज पटना और रजा फाउंडेशन दिल्ली का ये आयोजन कला और शिल्प महाविद्यालय पटना और कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट पटना के सहयोग से किया जा रहा है। फ्रेजर रोड पटना से जफर साजिद की रिपोर्ट। कुछ कलाकार छात्राओं ने एडीबी न्यूज 7 से बातचीत करते हुए अपनी पेंटिंग की विशेषता बताया कि उन्होंने इस तरह की पेंटिंग क्यों बनाया। खबर को पूरा देखिए और हमारे चैनल एडीबी न्यूज 7 पर अगर नए हैं तो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हिम्मत और हमारा हौसला भी बढ़ता रहे, जिससे हम आपके लिए इसी तरह की नई नई जानकारी और खबरें प्रस्तुत करते रहें। देखिए, मैं पुनश्च का सचिव हूं, विनोद कुमार। ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, ये पुनश्च और रजा फाउंडेशन दिल्ली का ये आयोजन है। इसमें पटना आर्ट एंड क्राफ्ट महाविद्यालय और कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट का सहयोग है इस प्रदर्शनी में। हमने इसका शीर्षक दिया है हमारे गांधी। विजुअल आर्ट से जितने भी हमारे साथी हैं, उनसे हमने ये आग्रह किया था, बाजाबता उनको एक चिट्ठी लिख कर दी थी कि गांधी के विचारों को लेकर के वो क्या पेंटिंग्स बना सकते हैं। गांधी के विचारों से मतलब ये है कि गांधी जिन विचारों के लिए संघर्ष करते रहे और जिनके लिए उन्होंने जान दी जी। मसलन सत्य, अहिंसा, मानवता, भाईचारा, बंधुत्व, इन सब चीज़ों के लेकर वो संघर्ष करते रहे अपने जीवन भर। और आज से तकरीबन 75 साल पहले उनकी हत्या कर दी गई जी। जी गांधी ने हमें जो सबसे खास चीज दी है वो है निडर होना जी। और हमने अपने विजुअल आर्टिस्ट के जो भी साथी हैं उनसे ये अनुरोध किया कि गांधी के इन विचारों को लेकर के जी। आपकी कल्पना में क्या आता है वो आप अपनी तस्वीरों में, अपने स्कल्पचर में बयान करें, आप बताने की कोशिश कीजिए। और हमें खुशी है कि बहुत सारे कलाकारों ने, जिसमें कि अभी
आर्ट कॉलेज में पढ़ रहे कुछ छात्र भी हैं, कुछ वरीय चित्रकार हैं, कुछ समकालीन चित्रकार हैं, इन लोगों ने काम किया और वो काम आज यहाँ इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ है। कल यानी 27 तारीख को इसका उद्घाटन किया प्रख्यात कवि अरुण कमल ने, पिछले 27 हाँ कल 27 तारीख को अरुण कमल जी ने, एक प्रख्यात कवि हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और कल बड़ी संख्या में लोग उस उद्घाटन में मौजूद थे। और आमतौर से प्रदर्शनी में ऐसा होता है कि प्रदर्शनी 4-5 दिन एक हफ्ते तक चलने वाली रहती है और लोग आ रहे हैं, प्रदर्शनी देख रहे हैं और इसकी चर्चा होने लगी है। बहुत दिनों के बाद इस बिहार आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगी है और इसलिए भी काफ़ी उत्साह है देखने वालों में। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे आर्ट कॉलेज के छात्र हैं, जो सीनियर भी हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी पेंटिंग्स, उनके स्कल्पचर भी यहाँ हैं और वो इसको ऑर्गेनाइज करने में हमारे साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी, मेरा नाम कुमारी अर्चना है, मैं आर्ट कॉलेज से हूँ, जस्ट पास आउट हुई हूँ। ये आपने बनाया है? हाँ, ये मेरा आर्ट वर्क है, इंडियन डीएनए। क्या सोच के आपने इसको बनाया? डीएनए जो होता है ना, हर इंसान का अलग अलग होता है। जी, लेकिन उस टाइम पे जो चल रहा था, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम पे सत्याग्रह पे आपने बनाया? हाँ, सत्याग्रह आंदोलन, तो उस टाइम पे जो भी लोग थे ना, सबके अंदर एक ही चीज था कि आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो मैंने एक डीएनए में सबका अलग अलग फेस दिखाया है। उस टाइम पे जो लोग थे कि काला गोरा या फिर जाति पात, उस टाइम पे सब ये चीज ना देख के सब एकजुट हो गए थे और सब मिल के काम किए। तो उसके बाद जो आजादी मिली, तो मैंने एक डीएनए में सबका अलग अलग फेस दिखाया हुआ है। जैसे कि ये है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, उसके बाद नॉर्मल जो भी लोग थे उस टाइम पे शामिल रहे हैं। हाँ, तो यानी सत्याग्रह आंदोलन में जो लोग थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया और या फिर योगदान दिया, उन सबों को आपने दर्शाने की कोशिश की है। मैंने एक डीएनए में सबका अलग अलग फेस दिखाया क्योंकि सब उस टाइम पे एकजुट हो गए थे, एक साथ हो गए थे। तो ये और स्टूडेंट्स को और जो कलाकार हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहिए कि हम अभी के धीरे धीरे वो चीज कम हो रहा है जो पहले एकजुट होकर उन्होंने काम किया, आजादी पूरे देश के लिए चीज किया, लेकिन अभी है कि कुछ लोग अलग होते जा रहे हैं। बहुत सालों बाद ये प्रदर्शनी लगी है यहाँ। जी बिल्कुल, ये तो लगना चाहिए बार बार, ये लगना चाहिए। कलाकार आगे बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा ना, उनके लिए भी अच्छा मौका है ये चीज कि वो अपना आर्ट वर्क लगाए, संदेश दे दूसरों को। आपका भी कुछ बोलो ऐसे। मेरा नाम है भोला पंडित, मैं आर्ट कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, पास आउट हूँ। ये जो आपने तस्वीर बनाई, यानी स्टैचू, पुतला या जो भी आपने कलाकृति बनाई है, ये क्या सोच के आपने बनाई? नहीं, ये तो इसका टाइटल है जो सॉन्ड है, और ये जो गांधी जी का जो आंदोलन चल रहा था उस समय में हमको आज़ादी मिला, जो उस समय में कोई इलेक्ट्रॉनिक जो बोलने के लिए, जो अभी तक तो मैक है, मैक की सुविधाएं जो बोल सकते हैं और भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं हम, उस समय में तो हमको आज़ादी मिला। उसके पीछे जो बोलते थे उसके पीछे में समर्थन था आज़ादी के समय, उसमें सहयोग करते थे आदमी, जो अभी खत्म होते जा रहा है। जो अभी आंदोलन करते हैं, अगर कुछ भी डिमांड करते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो अभी हमारे हक के लिए आदमी समर्थन नहीं होते हैं। जो अभी हम बोलते भी तो हमारे हक के लिए, अपने हक के लिए आदमी नहीं लड़ पाते हैं, जो अभी खत्म होते जा रहा है। गांधी जी का विचार को भी खत्म होते जा रहा है। वो अकेला बोले थे, उसके बाद वो अपने आज़ादी दिलाए, जो अभी खत्म होते जा रहा है, यही पे हम वर्क बनाए थे। तो आने वाले और जो यंग कलाकार, जो लोग इससे वंचित हैं, जो यहाँ नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, उनके लिए आप क्या? नहीं, उनके लिए हम बोलते हैं जो आके एग्जीबिशन देखे, कलाकृति को देखे, कैसे बनाने की तरीका है, क्या बोलने का तरीका है, और अक्सर जो सीनियर आर्टिस्ट से बात करें, यही हम संदेशा देते हैं। इस तरह का एग्जीबिशन लगना चाहिए, लगना चाहिए, हमेशा लगना चाहिए। मेरा नाम मिताली है और हम आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और इस हमारे गांधी जो सब्जेक्ट है हम लोग का, इस पे हम ये दिखाने का कोशिश किए, ये दर्शा रहे हैं कि जो गांधी जी का विचार है वो अब बस कहने को रह गया है, वो खत्म होता जा रहा है।
तो इस जो हम दिखा रहे इसमें कि तीन गांधी जी के बंदर है जिनका सिर्फ ढांचा मतलब वो खत उसी चीज को दर्शाने का कोशिश किए हैं। तीन बंदर का क्या कुछ तो होगा ना, आंख बंद है, कान बंद है। हाँ, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, यही बुरा मत बोलो। हाँ, तो इस पे चलना चाहिए लोगों को, बिल्कुल चलना चाहिए, तब देश का कल्याण होगा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन अभी तो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। और उसी चीज को हम दिखाना चाह रहे हैं, जो सत्य है वो दिखा रहे हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर, बिल्कुल, जो कि अब नहीं बचा है, खत्म हो चुका है वो, बिल्कुल मतलब कि जस्ट उल्टा ही है। लोग बुरा ही कर रहे हैं, बुरे के राह में ही चल रहे, कोई सत्य के राह पे नहीं चलना चाहते हैं। तो सत्य अहिंसा को लोग अपनाएं, इसके लिए एग्जीबिशन का रास्ता, बिल्कुल, लोग को देखना चाहिए, जानना चाहिए कि वो समय और अभी के समय में मेरे इस काम का जो टाइटल है वो काल चक्र, मतलब हम समय को दर्शाना चाह रहे हैं कि वो क्या समय था और अभी इस समय में क्या चल रहा है, उस समय के लोग कैसे थे जो कि सत्य के राह पे चल रहे थे, गांधी जी के मतलब उन्हीं का योगदान है, गांधी जी के विचार को अपने प्रकट, बिल्कुल। मेरा नाम रूपा रानी है, मैं भी आर्ट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा जो कॉन्सेप्ट है पार्टीशन को लेकर बना हुआ गांधी जी पे, जी। तो पार्टीशन जब हुआ था जिस टाइम, उस टाइम तो गांधी जी थे, गांधी जी को लोग मानते थे, उनके साथ रहते थे, अगर वो लोग मिल के अगर देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे तो पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से वो अहिंसा को मानते थे, लेकिन हिंसा सबसे ज्यादा हुआ था पार्टीशन के टाइम में। और पैसा अभी का इस प्रेजेंट को दिखा रहा है कि उस फोटो में गांधी जी हैं, लोग गांधी जी की सोच को मानते हैं, उसके आदर्श को मानते हैं, बट पैसा लेके लोग उस चीज को कर रहे हैं, हिंसा का काम कर रहे हैं, लोग इसके साथ गलत कर रहे, तो वो सोच तो खत्म हो गया ना। ये आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ गांधी जी का फोटो है जो सब अहिंसा पे चलते थे, उसका हिंसा कर रहे हैं, हाँ, लोग उसको गलत लेके चले गए। पैसा आप गांधी जी को मान रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उस फोटो में गांधी जी है, और आप पैसा लेके दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो लोगों को समझाने के लिए है कि अगर आप गांधी जी को इतना मानते हैं तो आप लोगों के साथ बुरा मत करिए, तो उस चीज को बनाने के लिए। तो जो लोग गांधीवादी नहीं है, हाँ, जिन पार्टी के लोगों ने, वो एक जो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो गांधी के की जो हत्या जिन्होंने किया था उसके साथ है, उनको क्या संदेश देंगे? गांधी जी का जो हत्या किया था उनके साथ वाले पार्टी के लोग भी हैं, उनको क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों को? ना हमको नहीं पता कि उनके साथ है या नहीं है, पर अगर वो उनको सिर्फ हम लोग, गांधी जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही मान रहे, बाहर के लोग भी मानते, अंग्रेजों के टाइम में भी अंग्रेज लोग भी गांधी जी को बहुत मानते थे, तो वो एक लॉयर थे, तो अगर वो देश के लिए कर रहे थे, आज भले बहुत सारे लोगों को उनमें गलतियां दिख रही है, तो अगर आपको गलतियां दिख रही है तो प्रूफ भी तो होगा ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर किसी को गलत भी नहीं बोल सकते हैं। तो अगर आप पूरी तरह से नहीं मान रहे, ठीक है, उनको जो बात आपको अच्छा लग रहा है वही मान रहे हैं, वो सत्य बोलने बोल रहे थे, आप गांधी जी को नहीं मानना मत मानिए, लेकिन सच्चाई की राह पर तो चल सकते ना जो वो बोले थे, सत्य और अहिंसा पे चल सकते। ठीक है, एडीबी न्यूज 7 से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और अपने कीमती कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।